दोस्तों काफ़ी लोगों की व्हाट्सएप बैंड हो जाती है, तो मुझे कल ही कुछ कमेंट आया। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, पहले व्हाट्सएप बैंडिंग थी, उसमें काफ़ी कमेंट मुझे मिले यार व्हाट्सएप बैंड हो रही है। तो मैंने कहा चलो दोबारा से एक वीडियो अच्छी सी बना देता हूँ। तो मेरी भी इस तरह से 2-3 बार मेरी व्हाट्सएप बैंड हो गई थी। मैंने काफ़ी यूट्यूब पर सर्चिंग की थी तो मुझे इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला। लोग कहते थे ये ना करो वो ना करो, ठीक है ना, कुछ अपडेट उन्होंने बताए थे ये नहीं करा, वो भी ठीक थी। बट जो मुझे रियल लगी ना, जो मैंने खुद से एक्सपीरियंस करके मैंने वो समझी इस बात को ना, ये मसला आखिरकार व्हाट्सएप बैंड क्यों होती है, ये मसला है। दोस्तों यूट्यूब में लोग अपने एक यूट्यूबर चैनल बनाया होता है, यूट्यूब पर तो चैनल होता है, उसका लिंक शेयर करने के लिए मुख्तलिफ ग्रुप ज्वाइन करते हैं। पहले तो लोग ग्रुप में लिंक शेयर करते थे, बेतहाशा अपलोड करते थे वहाँ पर लिंक वगैरह। बट कुछ इन साल में बहुत ज़्यादा यूट्यूब चेंज व्हाट्सएप चेंज हो गया, सॉरी दोस्तों व्हाट्सएप काफ़ी चेंज हो चुका है। तो अब जब भी आप व्हाट्सएप में ग्रुप ज्वाइन करते हो ना, तो आपको सिक्योर, बहुत ज़्यादा सिक्योर रहना पड़ता है। अगर आप किसी भी व्हाट्सएप के ग्रुप में अपना लिंक शेयर करो, तो अगर वहाँ से कोई आपको बैंड करता है या रिपोर्ट करता है, उसी वक्त आपकी जो व्हाट्सएप होती है वो बैंड हो जाती है। एक तो ये रीज़न होता है। अगर आप व्हाट्सएप के ग्रुप ज्वाइन करते हो यूट्यूब पर, इंडिया अगर मुख्तलिफ कंट्री के आप उसमें ज्वाइन करते हैं, उसमें काफ़ी लोग होते हैं, मुख्तलिफ कंट्री के लोग होते हैं जो एक ही ग्रुप में ज्वाइन होते हैं, तो आप अक्सर उसमें से जो गलती करते हैं आप उनसे नंबर निकाल लेते हैं और उनसे सेव कर लेते हैं, ठीक है ना। काफ़ी लोग आपसे आपके नंबर को निकाल, जिस ग्रुप में आप ज्वाइन हुए हैं उस ग्रुप से नंबर निकाल कर आपसे आपसे बात करते हैं, और उनके जो उनका नंबर होता है उनके पास तो सेफ होता है, बट उनका नंबर जो आपके पास आया होता है वो आपके पास सेफ नहीं होता। तो एक तो ये रीज़न था कि आपके पास काफ़ी लोग ऐसे नंबर होते हैं जो आपने सेफ नहीं किए होते, आप उनसे बात कर रहे होते हैं और होते बाहर की कंट्री के। यूट्यूब व्हाट्सएप क्या समझता है यार ये कोई हैकर है तो ये बाहर की कंट्री की बात कर रहा है, ये काफ़ी इसी तरह काफ़ी आप ये बहुत ज़्यादा गलती करते हो। आप ये करते हैं ना, मुझे लगता है क्योंकि मैंने ऐसी गलती की, हर कोई यही करता है कि एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया तो उसमें तहाशा बेतहाशा अपलोड कर दिए लिंक, तो घंटा तो उस पर काम करते हैं, वर्क नहीं करना, इतना ज़्यादा वर्क नहीं करना, आपने लिंक शेयर करना और इंपॉर्टेंट बात देनी है और साइड बार में चले जाना, ठीक है ना, बाहर चले जाना है भाई, व्हाट्सएप को छोड़ देना। ये नहीं कि व्हाट्सएप पर बक बक किए जा रहे हैं यार, व्हाट्सएप को कम यूज़ किया करो, व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैंने यूज़ किया ना, मैं खुद से जो मिस्टेक की मैंने वो आपको बता रहा हूँ, जो मैंने मिस्टेक की, मैं अगर मैंने मिस्टेक की तो इनका मैंने सोल्यूशन निकाला, तो अब मेरी व्हाट्सएप बैन नहीं हो रही। क्योंकि फ्रेंड मैं पहले इसी तरह करता था, क्या करता था कि यार ग्रुप ज्वाइन किए और लिंक शेयर किए, इसकी वजह से मेरी व्हाट्सएप बैन। अगर आप यही काम करते हो ना तो आपकी व्हाट्सएप बैन हो जाती है। आप अगर ग्रुप करना कोई नुकसान नहीं, ग्रुप ज्वाइन करना कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उसमें ज़्यादा लिंक शेयर है नुकसान। अगर आपको कोई भी वहाँ से कोई भी लोग जो होते हैं उसमें ग्रुप ज्वाइन हुए थे, कस्टमर होते हैं उसमें, आपसे लिंक शेयर जो आपका लिंक ले रहे हैं वो एक कस्टमर की शक्ल में आपको मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, जो व्यूज़ है, मिसाल व्यूज़ है, तो वो देखने वाला अगर उससे अच्छी नहीं लगती वीडियो, या वो एडमिन है आपको अच्छा नहीं लगा, वो आप कहते हैं यार ये क्या बकवास शेयरिंग कर रहा है, वो आपको बैन कर देता, तो इस तरह की वजह से आपकी व्हाट्सएप बैन हो सकती है। तो ये थे कुछ रीज़न जो मैंने आपको बताए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।